हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की बात करी थी और आज हम समझने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर है, जैसा कि हम लोगों ने लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर प्रोडक्ट को सबसे पहले इस क्रॉस के थ्रू इंडिकेट करते हैं, और जो स्केलर प्रोडक्ट था उसको हम लोगों ने इंडिकेट किया था एक डॉट के थ्रू। इस चीज का ध्यान रखें, ये हमारी बुक में कभी नोटेशन आते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का होता क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं मतलब इधर भी मल्टीप्लाई ही होंगे जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये जो मैंने लाइनें खींची है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे आता है साइन थीटा। तो इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो वो इस तरीके से होगी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ, इन सभी का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया है, इनके बीच में एक एंगल फॉर्म होगा, उसी का हमको क्या लेना है? साइन लेना है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला हम लोगों ने? क्योंकि जो हमको यहाँ पे दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने पे कभी कभी हमको क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर मिला है, इस वेक्टर में एक डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एन कैप, और ये एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। ये भी ध्यान रखें, ये नॉर्मल मतलब कि अगर वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी जिस डायरेक्शन में है, उसके नॉर्मली क्या होगा? इस नए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। जैसे सपोज ये वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, ये जो वेक्टर बी है ये इस डायरेक्शन में है, तो ये जो यहाँ पे एन कैप लिया है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट यहाँ से मिलेगा, एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना? तो ये जो रिजल्टेंट आया उसकी थर्ड डायरेक्शन होगी। जैसे एक एक्स डायरेक्शन हो गई, एक वाई डायरेक्शन हो गई, तो ये ए हो गया और ये वाई हो गया, सॉरी बी हो गया। तो अब ये एन कैप कहाँ होगा? तो ये ऊपर होगा, या फिर यूं समझे कि इधर ए है इधर बी है। तो अब ये जो तीसरी डायरेक्शन आ रही है, ये तीसरी डायरेक्शन में क्या होगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसका अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें तो लॉरेंज फोर्स का एक एग्जाम्पल होता है, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। मतलब ये वेलोसिटी होती है किसी चार्ज पार्टिकल की जो कि मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब देखिए, सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। ये अपनी आप अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ये मैं पेपर के थ्रू समझा रहा हूँ कि कभी भी हम लोग ये अज्यूम करें कि इधर वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी है, ठीक है? तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है हम लोगों को, ये एन के इनका, इस दोनों का, तो या तो वो आउटवर्ड होगा, है ना, इस प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड होगा, या फिर इनवर्ड होगा, इस तरीके से इनवर्ड। तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि ये आउटवर्ड होता है या इनवर्ट होता है? तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे आप ए से बी पे जा रहे हो या बी से ए पे जा रहे हो, मतलब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फीचर्स रिगार्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट, जैसा कि हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था। तो चलिए एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो नया वेक्टर है, इस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम लोग देते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। मतलब ये जो आपका राइट हैंड है, इसमें आपको एक स्क्रू को रखना है, और स्क्रू को आप ऐसे रोटेट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, और ऐसे रोटेट करेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वो स्क्रू कहाँ आएगा? पीछे आएगा। तो ये जो है, जैसे आप एक वेक्टर लें, ए वेक्टर लिया हम लोगों ने बी, अब आप ए से बी पे जाते हैं, ठीक है, तो आप कैसे जा रहे हो? राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से जा रहे हो, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, है ना? और अगर आप बी से ए पे जाएं तो आप कैसे जा रहे हो? पीछे। इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा, ये ए है ये बी है, ठीक है, और आप अभी ए से कहां पे बढ़े हो? बी की तरफ बढ़े हो, मतलब आप ऐसे बढ़ोगे क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर। और अगर आप बी से ए की ओर बढ़ोगे मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, पर एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू कहां जाएगा? नीचे जाएगा,
तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो पहले नंबर पे आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, इसके कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होना चाहिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। मतलब अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें तो दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा डज नॉट ओबे। अब क्यों ओबे नहीं करता है, उसका रीजन अगर हम लोग देखें तो मैंने अभी समझाने की कोशिश करी थी कि इस तरीके से आप देखें कि ये ए है और ये बी है। डायरेक्शन का इसे मिलेगी हम लोगों को राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो अभी ए से हम लोग बढ़ रहे हैं बी की ओर, तो मुझे स्क्रू को ऐसे घुमाना पड़ेगा। ऐसे घुमाना मतलब कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में ये कहां पे बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो डायरेक्शन ऊपर हो गई। और अगर मैं बी से ए की ओर चलूं, देखें यहां पे ए से बी समझे और इसको बी से ए समझे, तो बी से ए चलूंगा तो मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये ऐसे घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन ऊपर आ रही मतलब प्लस और एक डायरेक्शन आ रही माइनस। तो ये दोनों प्लस और माइनस इक्वल नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना, इस चीज का भी ध्यान रखें। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे दोनों की वैल्यू, सपोज इसका वैल्यू आती है थ्री, इसकी वैल्यू भी आती है थ्री, लेकिन एक प्लस थ्री होगा और एक माइनस थ्री होगा। और आपने देखा ही होगा नंबर लाइन यहाँ पे जीरो वन टू थ्री, वन टू और थ्री, ये माइनस में, तो कहाँ माइनस थ्री और कहाँ माइनस प्लस थ्री, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये होल्ड करता है मतलब ओबे करता है। दूसरे नंबर पे हम लोग ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या, आपके पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, फिर है वेक्टर बी और एक है वेक्टर सी। तो हम लोग वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करते हैं और इस पूरे ब्रैकेट में, इस रिजल्ट में हमको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर ये प्लस आ जाएगा एज इट इज और ये भी इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब आप या तो इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, आंसर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, या फिर इसको ऐसा लिख दें वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब वेक्टर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा कितना डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उससे लिख रहे हैं हम लोग मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, उसकी वैल्यू 90 डिग्री और साथ में क्या आएगा एन कैप। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, इसकी वैल्यू 1 और क्या आ जाएगा एन कैप। तो देखिए अगर दोनों, इफ बोथ द वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, मतलब एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये रहेगी थर्ड डायरेक्शन। अगर ये एक्स है ये वाई है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन रहेगी, थर्ड डायरेक्शन होगी। चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर पे। जैसे ये एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो अगर हम लोग इस ए को लिख रहे हैं आई कैप, क्रॉस बी को लिख रहे हैं जे कैप, तो हमको ये क्या मिलेगा, मॉड आई केप ए के प्लेस पे मॉड जे केप और यहाँ पे आ जाएगा एन केप। ठीक है, एन केप मतलब थर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए, थर्ड डायरेक्शन और वो भी परपेंडिकुलर। देखिए आई केप और जे केप जो है वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ पे इनकी वैल्यू दोनों की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी रहेगी, थर्ड डायरेक्शन। मतलब ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो जो नया ये 1 आया है, नया रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है वो इस डायरेक्शन में होगा और ये डायरेक्शन कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है z डायरेक्शन। ठीक है, और z डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं हम लोग, k k।
मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, आई क्रॉस के जो है, जे जो है वो क्या बनता है, के होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे वेक्टर लें जैसे जे क्रॉस के करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई के क्रॉस जे, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, जे। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, जे क्रॉस आई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर वही आएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, अगर आप के क्रॉस जे लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस आई आएगा। यहाँ पे आई क्रॉस के जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जे हो जाएगी। इसको अगर और अच्छे समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक सर्कल बना ले इस तरीके से, ये आई लिखा, ये जे लिखा और यहाँ पे लिखा के। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जब हम आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग जे के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। और जब हम के क्रॉस जे करेंगे, सॉरी आई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जे मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसका एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर हम लोग इसको करें आई जे के, अगर आप ऐसे चलेंगे जे क्रॉस आई तो ये नेगेटिव आएगा, आई क्रॉस जे के करेंगे सॉरी, तो रिजल्ट क्या आएगा, जे आएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अभी हम लोगों ने लिया था कि दोनों जो वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम लोग लेते हैं अगला केस, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा जो है वो कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब कि ये पूरा इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, क्योंकि ए और बी दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में है मतलब इसके लिए भी यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई केप ही आएगा, और इसके लिए भी आई केप, क्योंकि डायरेक्शन सेम है एक्स। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग आई क्रॉस आई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। या फिर हम लोग वेक्टर सपोज दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो जे क्रॉस जे भी करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। या फिर हम लोग करें के क्रॉस के तो भी रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये रीजन है कि क्यों हम लोग के क्रॉस के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे को 0 लिखते हैं और आई क्रॉस जे को के लिखते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे साइकिल बनाई थी। मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं वहां पे, तो यहाँ से रीजन है कि क्यों ऐसा आंसर आता है, क्योंकि हम लोग वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका समझने के लिए। हमारे पास है वेक्टर ए जिसके 3 कंपोनेंट होंगे, वेक्टर बी इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे देखें, आई ए एक्स, जे ए वाई, के ए जेड, आई बी एक्स, जे बी वाई, के बी जेड, इन पे कैरेट आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इनका हम लोग फाइंड करें क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो पहले ए का कंपोनेंट पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब यही आई ए एक्स। ऐसा होगा कि आपके पास ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड है ना, इनकी जगह पे आपको कुछ नंबर लिखे हुए रहेंगे, जैसे यहाँ पे हो सकता है 3i+5j-2k हो, है ना। तो यहाँ पे अब भी उनको नंबरों को इनके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आई जे के यूनिट वेक्टर हैं, हमेशा कैरेट लगाएं, ध्यान रखें। फिर है क्रॉस, फिर ये जो बी है इसकी यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग, वो आ जाएगी आई कैरेट बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। ठीक है,
अब इसको सिंपलीफाई करना है तो देखिए i क्रॉस i, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले i क्रॉस i या j क्रॉस j या फिर k क्रॉस k अगर हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो इसका तो कोई रिजल्ट बनेगा नहीं। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये है आई, यहाँ पे है जे। अब यहाँ पे आपको इस साइकिल का ध्यान रखना है, आई जे के। ठीक है, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के। तो मैं इन दोनों की जगह पे नया रिजल्ट जैसे आना चाहिए ऐसा आई क्रॉस जे, लेकिन आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या बनेगी, अगली के। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। साथ में आ जाएंगे इनके कंपोनेंट ए एक्स बी वाई। अब इसी को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, इसी टर्म को, ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करा यहाँ के लास्ट टर्म से, तो देखिए क्या है आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के मतलब मैं चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव साइन आएगा, मिलेगा क्या जे, लेकिन नेगेटिव जे मिलेगा मुझे। अब यहाँ पे कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, ए एक्स और आ जाएगा बी जेड। ये हमने ए एक्स कंपोनेंट को सॉल्व किया। अब ये वाला कंपोनेंट लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या है जे क्रॉस आई, तो ये रहा जे क्रॉस आई। फिर ऐसा जा रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिलेगा, के मिलेगा लेकिन नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस के। साथ में इसके कंपोनेंट आ जाएंगे ए वाई और बी एक्स। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगले कंपोनेंट से। तो देखें जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो देखें क्या है जे क्रॉस के, ये रहा जे क्रॉस के, तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास, आई बनेगा, और वो भी कौन सा बनेगा, पॉजिटिव आई बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, साथ में कंपोनेंट ए वाई, ये जे और के दोनों मिलके क्या बन गए हैं, आई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, ये इसका काम हो गया। अब तीसरे टर्म को लें, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, देखिए के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये जे आएगा रिजल्ट में और कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और साथ में इनके कंपोनेंट आ जाएंगे ए जेड और बी एक्स, तो ये ए जेड और ये बी एक्स आ गया। अब इसी का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है अगले टर्म में, मतलब सेकेंड में, तो ये देखिए के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आप कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज में के जे का आंसर क्या आएगा, आई ही आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये माइनस आई आया यहाँ पे। और देखिए कंपोनेंट क्या है, ए जेड है और बी वाई है, ये लिखा ए जेड और बी वाई। अब अगर आप लोग देखें इसका मल्टीप्लाई अगर हम थर्ड वाले में करेंगे तो ये के क्रॉस के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको लिखते नहीं है। अब आप देखेंगे टोटल हम लोगों को यहाँ पे सिक्स मिले हैं टर्म्स, देखिए इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो मैं यहाँ से आई को कॉमन निकाल लेता हूँ, देखिए ये वाला आई और ये आई, ये आई कॉमन निकाला, सबसे पहले लिखा आई कंपोनेंट, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा, ये बचेगा ए वाई बी जेड, फिर माइनस आ जाएगा, ये तो कॉमन चला गया, यहाँ बचेगा ए जेड बी वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर हम जे कॉमन निकालेंगे, तो देखिए ये जे पॉजिटिव वाला टर्म है, तो मैंने ये प्लस जे कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बच गया, ब्रैकेट लगते ही ए जेड बी एक्स, फिर जे कहाँ से कॉमन निकाला था, इस जगह से, तो क्या आएगा माइनस, और क्या बचेगा ए एक्स बी जेड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे के है और यहाँ पे भी के है, तो हम लोगों ने कॉमन निकाला दोनों जगह से के, तो प्लस के कॉमन निकाला, बचा क्या, यूनिट वेक्टर है ए एक्स बी वाई, और यहाँ से बचेगा माइनस में ए वाई बी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये किसके लिए क्या है, हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर की, इसको हम लोग चाहें तो और अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेते हैं आई जे के, और यहाँ पे आता है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से आएगा वो भी देख लीजिए,
कि सबसे पहले तो हम लोग रो और कॉलम छोड़ देते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आई के बारे में, तो आई एज इट इज, तो ये वाली जो रो है ये छूट जाए, ये वाला कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगी, है ना। फिर इनका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए वाई बी जेड, देखिए ए वाई बी जेड, फिर माइनस माइनस लगाते हैं और फिर इन दोनों का, तो यहाँ पे ए जेड बी जेड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर जे की बात करेंगे तो यहाँ से किसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्म लिखें या ये फॉर्म लिखें, बात एक ही है, दोनों तरीके एक ही है। अब अगर हम लोग जे की बात करें तो हमारे लिए ये कॉलम छूट जाएगा और ये पूरी रो छूट जाएगी। अब मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ गया, इधर से आगे वाले से बात करेंगे ए जेड और साथ में क्या आ जाएगा बी एक्स, फिर माइनस आएगा और ये दोनों आ जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग के लिए भी बात कर सकते हैं, के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा कॉलम छूट जाएगा और ये सॉरी ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छूट जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों टर्म का होगा। के बाद किसका नंबर आता है, आई का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, देखें ए एक्स बी वाई लिखा हुआ है और साथ में बी एक्स ए वाई लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक करिए, और भी वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। प्लेलिस्ट के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। धन्यवाद।